अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर मुझे ये हलीमा का पोस्ट बड़ा ही क्यूट लगा था, तो फिर मैंने ये क्लिप बना लिया था। और ये जो खजा का मौसम है और बहुत ही ज़बरदस्त कलर है हर तरफ जिधर भी देखें, और ये येलो येलो जो पत्ते गिर रहे हैं बहुत ही मज़े के लगते हैं। और वैसे जैसे दरख्त से हवा के साथ वो थोड़े थोड़े नीचे गिरते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, थोड़ी सी मैंने शॉपिंग भी करनी है और साथ में जो है एक दो चीज़ें विल्को में देखनी है, तो उधर भी जाऊँगी। तो ये मैं वन स्टॉप जा रही हूँ। तो ये जो साथ में बिल्डिंग्स बन रही है, साल से ऊपर हो गया मेरा ख्याल है काम करते हुए, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, आस्ता आस्ता हो रहा है। रोड वर्क भी अभी ख़त्म नहीं हुआ। और ये है वन स्टॉप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शॉप्स होती है, तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, तो एक ही जगह सारी शॉप्स होती है, तो इसीलिए मैं सारी शॉप्स में घूम लेती हूँ कभी कभार। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है कि जो चीज़ें चाहिए होती हैं वही लेनी होती है और फिर वापस, क्योंकि मेरे घर से जो है वो काफ़ी दूर है, क्योंकि मैं वॉक करके जाती हूँ, तो इस तरह से जब मुझे आधा घंटा लग जाता है तो थोड़ा दूर पड़ जाता है, गाड़ी पर जाए तो फिर इतना नहीं है। और ये वाला होमवेयर सेक्शन ये एसडा का है, मुझे ये वाली चीज़ें सारी बहुत प्यारी लगती हैं, जो मेरा दिल करता है सारी उठा के ले जाऊँ। लेकिन खैर मैं अभी देख रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ ख़ास डेकोरेशन की तो कोई चीज़ नहीं ली, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह करूँगी। और ये जो सारी सेल लगी हुई है न्यू लुक में, बाकी शॉप्स का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं न्यू लुक के पास से गुजर रही थी तो वहाँ पर उन्होंने वो लगाए हुए थे बड़े बड़े बैच होते हैं कि क्लियरेंस, शायद वो ये शॉप क्लोज़ कर रहे हैं पता नहीं क्यों, कि सारी चीज़ों पर उन्होंने जो है ना ऑफर लगाई हुई थी। कुछ चीज़ें उनके पास काफ़ी अच्छी भी थी, और एक वाइट कलर की जो वैसे नॉर्मल वेयर जो होती है जूता था, क्या कहते हैं उसको, स्लीपर्स टाइप की थी, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। लेकिन जब घर आई हूँ तो फिर मुझे याद आया कि मुझे ले लेनी चाहिए थी लेकिन नहीं ली। अभी मैंने शॉपिंग जो करनी थी वो मैंने कर ली है, अब मैं जा रही हूँ विल्को। तो विल्को मैंने सिर्फ पेपर देखना है, तो और देखते हैं, चेक करूँगी आज मैं किचन के लिए। तो बाकी अब मैंने शॉपिंग कर लिया, बैग्स मैंने इधर लगाए हुए साथ। और विल्को में जैसे अंदर जाए तो वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है, और बड़ा सा वो कलरफुल उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि क्रिसमस आ रही है, उनका फेस्टिवल है, जो यूके में रहते हैं उनको तो खैर पता ही है। और ये जो अब जैसे हमारी होती है ईद, इसी तरह से उनकी क्रिसमस होती है, तो वो सेलिब्रेट करते हैं, ये ट्री श्री लगाते हैं, तो ये वाली चीज़ें इधर पड़ी हुई थी, ये सारी फेस्टिवल चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये सामने आ गए हैं तो आपको भी दिखा देती हूँ। विल्को में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, घर से रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं, डेकोरेशन की चीज़ें इनके पास काफ़ी अच्छी होती हैं, बेडिंग और पिलोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे, और काफ़ी वैरायटी भी होती है और इनके पास, और इस तरह के जो फेक प्लॉट्स होते हैं ये काफ़ी प्यारे मुझे लगे। और ये वाला सेट मिरर का सेट खैर नहीं था, मेरा ख्याल है कि एक एक ही वो सेल कर रहे थे, लेकिन इनका डिज़ाइन मुझे बड़ा प्यारा लगा था। हलीमा ने तोड़ दिया है जो रखा हुआ था, तो इसीलिए मैं देख रही थी। तो अभी ये चीज़ें जो ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, ये मुझे बड़े ही अट्रैक्ट करते हैं, मैं इनको ज़रूर देखती हूँ जब भी जो मैं इनके पास से गुज़रती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी जो चीज़ मैंने देखनी थी, वॉलपेपर। तो ये वाला वॉलपेपर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे जो ये ग्रे वाला है, डार्क ग्रे वाला, मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। आपने कमेंट्स में बताना है कि कौन सा अच्छा है, ये डार्क वाला, ग्रे वाला, या ये ऊपर जो है वो वाला। तो किचन में सारा नहीं लगाना था, सिर्फ एक या दो वॉल्स पर लगाना है, और काफ़ी वैरायटी है इनके पास, लेकिन मुझे सिर्फ वो वाले पहले जो मैंने दिखाए दो वो वाले ही अच्छे लगे थे। तो आपने बताना है कि आपको कौन सा अच्छा लगा। किचन में जो है वाइट पेंट एक कोट कर ली है, अभी उस एक और कोट चाहिए होगी, तो उसके बाद पेपर लगेगा इंशाल्लाह। तो मुझे जो है वो डार्क वाला, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन हस्बैंड का ख्याल है कि ये दूसरे वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो थोड़े थोड़े ग्रे कलर उसमें आ रहा है वो वाला। तो अब देखते हैं कि कौन सा चूज़ होगा।
और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये हॉल भी दे देती हूँ जो चीज़ें मैं लाई हूँ। मैं गई थी बिल्कुल, लेकिन फिर वहाँ जाए तो वन स्टॉप जाए तो फिर साथ ही होती है सारी शॉप्स। मैंने सोचा कि मैंने अब आ ही गई हूँ तो चलो एजडा भी चलती हूँ। तो एजडा से ये मैंने दो कार्डिगन लिया है नसीबा के लिए स्कूल के जो है, तो वो यूज़ करी है एक, उसका वो नेक के ऊपर से फट गया है बेचारी का, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ले लेती हूँ उसके लिए। और अच्छा, और ये टाइट्स हैं तो ये भी नुसैबा के लिए 6 पाउंड की 3 पेयर्स थे, और ये कलर भी अच्छे थे, डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा, फिर ये मैंने ले ली। और सॉक्स भी वो काफ़ी यूज़ करती है माशाल्लाह से। तलहा का मसला हो रहा है कि वो जो भी नई चीज़ ला कर देती हूँ ना तो वो यूज़ नहीं करता, उसको अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या हो गया है। और ये मैं कुछ स्प्रिंकल्स लाई हूँ, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है, तो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ थोड़ी बेकिंग शेकिंग कभी की जाए तो फिर काम आ जाते हैं, तो ये मैं ले आई हूँ। और साथ में ये पेस्ट्री, ये तो बेचारी अब मेल्ट ही हो गई है घर पहुँचते पहुँचते। सेल्फ रेजिंग फ्लावर, रेड अनियन, ये मैं सैलेड में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और ये फ्रेश एंड क्रीमी टेस्ट फिलाडेल्फिया की, और चीज़ केक में मुझे ये अच्छी लगती है डबल क्रीम। और ये भी मैंने डिज़र्ट सोचा हुआ था उसके लिए ये लाई हूँ बिस्कुट, और ये वाले मुझे अच्छे लगे थे। ये मैंने ग्रे कलर में लाई हूँ कॉक बैक, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, खैर। तो ये प्लेस मैट है, तो इसके साथ ये छोटे वाले भी थे, तो फिर मैंने ये लिया है, तो मुझे इसकी प्राइस अब याद नहीं रही, अंडर 3 पाउंड था ये, तो मैं देख के फिर बता दूँगी। और ये एक बैनर है, दो है इसमें मेरे ख्याल में, दो होते हैं ये टोटल 3 बैनर ये, आप 3 भी बना सकते हैं। और ये बलून से तलहा की बर्थडे आ रही है तो उसके लिए, और ये ब्रेड, और ये वाले मेरे फेवरेट हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं जैम वाले, जैम क्रीम, तो ये मुझे इतने पसंद हैं आप हिसाब लगा लें कि मैं ये 3 ले आई हूँ, खाने से रहे सारे मैंने ही मेरे ख्याल में। होम बार्गेन से सबसे पहले मैं ये दिखा देती हूँ छोटा सा ये बिन, तो ये मैं लाई हूँ बाथरूम के लिए यूज़ करने के लिए, तो ये मुझे अच्छा लगा था, 299 का था, तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है तो अच्छा है, ये तो अंदर से इस तरह का है। ये 3 कलर में थे, एक मिंटी ग्रीन था मेरे ख्याल में, और एक ग्रे में, और एक ये ब्लैक, तो मैंने ब्लैक लिया है। और साथ में ये वाले स्पंचेस मेरे ख़त्म हो गए थे तो फिर मैं ले आई हूँ, और फॉइल ट्रेज, ये अच्छे रहते हैं कि इनको यूज़ करो और फेंक दो, वॉश करने वाला झंझट ही नहीं रहता। और ये राइस क्रिस्पीज, ये हलीमा के लिए लिए थे, पता नहीं उसको अच्छे नहीं लगे, मैंने ओपन भी किया था, उसने आधा खाया और छोड़ दिया। और ये वाला न्यू था, मैंने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं कि ये कैसा है, वॉशिंग मशीन क्लीनर। और तलहा सुबह कह कर गया था कि ये वाला स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक ले आए, तो फिर मैंने देखा तो ले लिया, कि और जो था घर में वो ख़त्म हो गया है। और पिंक स्टफ़, इसकी इस ब्रांड की कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ती, मैं तकरीबन सारी ट्राई कर चुकी हूँ, ये वाली रहती थी तो मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करते हैं कि ये कितनी अच्छी है। और टूथपेस्ट, ये वाली मैं अपने लिए लाई हूँ, थोड़ा सा न्यू, आगे मैंने ट्राई नहीं की, नहीं पता मुझे कि ये कैसी है। और बच्चों के लिए ये नुसैबा और तलहा ये वाली यूज़ करते हैं, तो वो कोई और फ्लेवर यूज़ नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता, 3 to 8 ईयर्स ओल्ड है। और ये हलीमा के लिए है, तो और साथ में ये वाला वॉशिंग मशीन है क्लीनर, ये आगे मैं लाई थी एक दफ़ा, यूज़ किया हुआ है, ठीक है, अच्छा है ये भी। और ये वाले फ्लैश स्ट्रांग एंड थिक वाइप्स, और ये वाले आगे मैंने देखे थे उस दिन नहीं लिए, लेकिन आज फिर मुझे लेने ही पड़ गए। मैं डार्क कलर ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं क्लीनिंग करते हुए, तो बाज़ों का दाग भी नहीं उतरते तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो चलो फिर मैंने कहा कि अब मुझे और कोई कलर नहीं मिला
फिर मैंने ये ले लिया। आज की वीडियो यही तक, उम्मीद है कि आपने इंजॉय की होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।